ये अन्य भाषा बोलने के वालों के कारण जो है बहुत से जीवन शापित हो रहे हैं, क्योंकि ये अन्य भाषा है ही नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि आप आए हो तो लो अन्य भाषा लेकर जाओ। पहली बात तो आप देने वाले कोई होते नहीं है, पादरी जो होते ना ये ढोंगी पादरी हैं जो पवित्र आत्मा दे रहे हैं और अन्य भाषा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे अन्य भाषा के ऊपर। अन्य भाषा क्या है? देखिए, पवित्र आत्मा के बहुत से वरदान हैं और उन वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा। अक्सर लोग जो हैं अन्य भाषा को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सी होती है, बहुतों के विचार अलग होते हैं, बहुत सी चीज अलग होती है। परंतु हमको सिर्फ अगर बात करनी है अन्य भाषा के ऊपर या परमेश्वर के किसी भी विषय के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ बाइबल पर आधारित होनी चाहिए। पर कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अन्य भाषा का अगर हम अर्थ समझें, मीनिंग इंग्लिश में अगर हम मीनिंग देखेंगे, जो जैसे हिंदी में आता है अन्य भाषा या अन्य भाषा, ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसको देखेंगे तो लिखा है स्पीक विथ अदर्स टंग, और इसके जो इंग्लिश मीनिंग है वो आया है यानी अन्य भाषा के। दुनिया के अंदर लगभग 6,500 भाषाएं हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो है जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं वो हैं 7 भाषाएं हैं। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं वो 7 भाषाएं कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। मैंड्रिन भाषा, स्पेनिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा, हिंदी भाषा, बंगाली भाषा और पुर्तगाली भाषा। ये 7 भाषाएं हैं जो उन 6,500 भाषाओं में से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हमारे भारतवर्ष में लगभग 2,023 भाषाएं हैं, और कोई भी भाषाएं क्यों ना हो, किसी भी किस्म की भाषा हो या कहीं पर भी कोई भाषा बोली जाती है तो वो भाषा जो है 2-4 शब्दों की भाषा नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा, भाषा जो है, आप मेरे वीडियो देखते होंगे उसके अंदर मुझे परमेश्वर का वचन सुनाते हुए बोलते होंगे, उसमें बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। 2-4 शब्दों में वो चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं, जब तक आपको पूरा जो है, जो एक भाषा होती है आप हर एक विषय पे उस पर बातचीत कर सकते हैं। जो भी भाषा आपके पास होगी, आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं या कोई भी भाषा आप जानते हैं, तो उस भाषा के द्वारा आप हर एक विषय पर बात कर सकते हैं। भाषा चाहे संसारिक हो या आत्मिक हो, आप हर एक विषय पे पूरी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। 2-4 शब्द बोलकर जो है वो भाषा नहीं कहलाई जाती है, चाहे वो शारीरिक हो, संसारिक हो, कहने का मतलब संसारिक हो या आत्मिक भाषा। हम लोग चलिए बात करते हैं आत्मिक भाषा, जिसको स्वर्गीय भाषा जो है बहुत लोग मानते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो स्वर्गदूतों की भाषा है, वो स्वर्गीय भाषा है। चलिए आपकी बात को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, जो परमेश्वर का वचन जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? कि परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर, जो परमेश्वर यहोवा है, उसने सृष्टि की रचना करी, और जब सृष्टि की रचना करी, जब आप उत्पत्ति 1:1-31 पद तक पढ़ेंगे उसमें देखिए बहुत सी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो 2-4 शब्दों वाली भाषा का प्रयोग नहीं करा परमेश्वर ने, क्योंकि अब परमेश्वर जो है सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अगर किसी की ने भाषा का प्रयोग करा है, किसी ने बोली का प्रयोग करा है या किसी के मुंह से जो आवाज निकली है वह है परमेश्वर। अब कैसे? परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और उसने हर एक दिन में कहा हो जा, वो हो गया। परमेश्वर ने देखा और क्या कहा? अच्छा है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप इसी उत्पत्ति 1:26-31 पद तक पढ़ोगे तो वहां लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने समान अपनी समानता में बनाएं। उसने मनुष्य को बनाया, फिर उसके बाद उसने मनुष्यों से कहा, ये छोटे छोटे जो बीज धार वाले पेड़ हैं ये सब तुम्हारे खाने के लिए है,
और जो और छोटे पेड़ हैं वो जानवरों के खाने के लिए हैं। ये सब कुछ बातें परमेश्वर ने कही, बताई गई। तो किस भाषा में बोला परमेश्वर? भाई स्वर्गीय पिता है, आत्मिक पिता है, तो उसके मुंह से निकलने वाली वो स्वर्गीय भाषा, वो आत्मिक भाषा होनी चाहिए। वो कौन सी भाषा है जिसको आदम भी समझ रहा है? आदम से बोली जा रही है, कौन सी है भाषा? चलिए अभी बात यहां पर खत्म नहीं होती है, जो परमेश्वर की वार्तालाप है इसको और देखते हैं हम लोग। जब आप उत्पत्ति 2:15-17 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर क्या करा है परमेश्वर ने? आदम को अदन की वाटिका में काम करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, आदम तू वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का पेड़ लगा है उसका फल मत खाना। किस भाषा में बात कर रहा है वो? अब परमेश्वर बात कर रहा है, स्वर्गीय पिता बात कर रहा है, यानी स्वर्गीय भाषा में बात कर रहा होगा। वो पहली भाषा है जो परमेश्वर ने आदम के समक्ष बोली और आदम समझ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आदम परमेश्वर की उस भाषा को समझ रहा है। अब यहां पर क्या है, जब उत्पत्ति 2:18-24 पद पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, उसने कहा, किसी से तो कहा होगा, पुत्र से कहा होगा, पवित्र आत्मा से कहा होगा, कि उसने कहा हम आदम के लिए एक स्त्री बनाए। फिर उसने जब स्त्री बना दी, आदम के पास ले गया और उसने क्या कहा कि ये अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। उसके बाद उत्पत्ति 3 में आ जाइए, 1-4 पूरा पढ़ लीजिए आप। परमेश्वर जो है दिन के ठंडे पहर में आदम से मिलने आता था। अब परमेश्वर आदम से मिलने आ रहा है और क्या आदम उस दिन चुप गया, डर गया कि आदम तू कहां है, किस भाषा में कह रहा है? और आदम जवाब दे रहा है, हे प्रभु बारी में मैं तेरा शब्द सुनकर चुप गया था। फिर वो हवा से बात करता है, शैतान से बात करता है, किस भाषा में वो उन लोगों से बात कर रहा है वो स्वर्गीय पिता? आपको पता है वो कौन सी भाषा में बात कर रहा है? वो इब्रू भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि वो इब्रू का परमेश्वर कहलाया, वो इब्रानियों का परमेश्वर कहलाया। जो इज़राइल में बोली जाने वाली भाषा इब्रू भाषा है, उसमें बात कर रहा है वो आदम से, हवा से और शैतान से भी कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। सब वो सारी भाषा जो स्वर्गीय पिता बोल रहा है, वो भाषा जिसको आदम समझ रहा है, आत्मिक भाषा, स्वर्गीय भाषा। और उस भाषा, वो 2-4 शब्द में उसने बात नहीं करी है, हर विषय के ऊपर करी। आदम के पाप के ऊपर बात करी, आदम के आदम को आज्ञा दी, आदम के रहन सहन के ऊपर बात करी है, आदम ने जो पाप करा है उसके विषय में बात करी, आदम हवा को निकाल दिया है उसके विषय में बात करी, श्राप के विषय में बात करी है, हर बहुत से विषयों में बात करी है परमेश्वर। ये 2-4 शब्दों की भाषा नहीं है जो आजकल कलीसिया में बोली जा रही है, इरे लावा शाबा शाबा इरे लावा, क्या ये क्या है इरे लावा शाबा शाबा, क्या चीज है ये, क्या शब्द है ये? बुरा लगेगा आप लोगों को, मगर मैं जो परमेश्वर का वचन दिया है उस वचन के द्वारा जो आया है वही मैं आपको बताऊंगा, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है। अदर्स लैंग्वेज यानी अन्य भाषा, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। अन्य भाषा क्या है? देखिए क्या है, पूरी दुनिया में क्या है, अन्य भाषाओं का ज्ञान आया कहां से? इससे पहले मैं आपको यह बताऊं अन्य भाषा कहते किसे। उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए अदर्स का मतलब होता अन्य, कोई दूसरा। आप मुझे वीडियो देखकर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपके घर में आऊं, मान लीजिए आपने मुझे नहीं देखा या नहीं जानते हैं, मैं आपके घर में आऊंगा और आपका दरवाजा खटखटाऊं और आप मेरे लिए दरवाजा खोले, तो सबसे पहले आपके चेहरे पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बना होगा। क्या क्वेश्चन मार्क होगा कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपको किससे मिलना है, आपको क्या काम है, ऐसे ढेरों सवाल जो है। क्यों क्यों करेंगे आप? क्योंकि मैं आपके लिए अन्य व्यक्ति हूं, अदर्स पर्सन जिसको बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति हूं जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आप पहचानते नहीं है, जिससे आपकी रिलेशनशिप नहीं है, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। मगर जब आपके घर में आ गया, मेरी आपसे मुलाकात हो गई, बोलचाल हो गई, हमारी फ्रेंडशिप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कोई एक अच्छी रिलेशनशिप हो गई, उसके बाद अगर मैं दोबारा आऊंगा तो आप क्या करोगे? आप सवाल नहीं करोगे, आइए 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 बैठिए बैठिए, अच्छा आ जाओ, मम्मी देखो कौन आया, पापा देखो कौन आया है, या मम्मी पापा होंगे तो वो कहेंगे अरे बच्चों देखो कौन आया है। तो इसका मतलब क्या, मैं अदर्स पर्सन हूं। वो ऐसे ही
जो भाषा हमें नहीं आती, दुनिया में बहुत सी भाषाएं, आपको हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, फारसी, जो भी भाषाएं हैं वो नहीं आती हैं, तो इसका मतलब वो अदर्स लैंग्वेज है आपके लिए, ये दूसरी भाषा है जिसको आप नहीं जानते हैं। परंतु परमेश्वर जो है, यदि आपको इन भाषाओं में इन भाषाओं का ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है कि आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर अपना काम कराना चाहता है उस भाषा के द्वारा। जी हाँ, मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये अनन्य भाषाएं जो है कैसे फैली। जब आप उत्पत्ति 11 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा, देखिए मैं मेन चीज आपको बता रहा हूं। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। देखिए बिल्कुल साफ लिखा कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, कोई अलग अलग बोली नहीं थी, अलग अलग भाषा नहीं थी। और यहां क्या, उत्पत्ति 11 अध्याय 6-7, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। इन पदों को जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, क्या है, उस समय जो है लोग जो थे बाबुल की मीनार बना रहे जा रहे थे। जब बाबुल 11 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति का, बाबुल की मीनार बनाने जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, कोई दूसरी भाषा, कोई दूसरी बोली उनकी नहीं थी। परमेश्वर ने उनके अंदर जो था कई भाषाएं का ज्ञान डाल दिया और वो जो थे तरह तरह की भाषाएं बोलने लगे, जिसको अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, जो वो भाषाएं नहीं जानते थे वो उन भाषाओं में बात करने लगे। और इस तरीके से सारी पृथ्वी के ऊपर लोग फैल गए और वो भाषा भी सारी पृथ्वी पर फैल गई। इस तरीके से अन्य अन्य भाषाएं मिली। वो एक भाषा जो थी वो तो थी, परंतु उसके साथ और भाषाएं जो थी वो मिल गई। अभी आपने उत्पत्ति 11 अध्याय के विषय में सुना कि एक ही भाषा और एक ही बोली थी। परमेश्वर ने उनके अंदर बहुत सी भाषाओं का ज्ञान जो है वो डाल दिया और वो तरह तरह की भाषा बोलने लगे और वो पृथ्वी के ऊपर फैल गए और सारी भाषाएं भी पृथ्वी के ऊपर फैल गई। परंतु जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है उत्पत्ति 11 अध्याय का जो बात है कि सारी पृथ्वी पर एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, वहां पर बहुत सी बातें जो हैं मिलती हुई हैं। अब कैसे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 7-8 पद जरा निकाल लीजिए मेरे साथ। यहां क्या लिखा हुआ है, क्या ये सब गलीली नहीं है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 7 पद में एक सवाल आया है, क्या ये सब गलीली नहीं है? अब ये सवाल जो है कौन कर रहे हैं, ये सवाल जो है जो वहां खड़े हुए लोग हैं ये वो कर रहे हैं। ये सवाल जो वहां खड़े हुए लोग परमेश्वर के वचन को चेलों के मुख से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, क्या ये सब एक ही भाषा के लोग नहीं है? ये तो सिर्फ गलीली लोग हैं। उस समय गलील में जो भी भाषा बोली जाती थी या गलीली भाषा थी वो ये सब गलीली बोलते हैं। मगर 8वां वचन जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 8वां वचन, तो वहां पर फिर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर क्यों हम सब अपनी अपनी, यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं आपको पढ़ रहा हूं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अब वो चेलों के मुख से किस भाषा में परमेश्वर की महिमा को सुन रहे हैं, किस भाषा में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? अपने अपने जन्म भूमि की भाषा सुन रहे हैं। अन्य भाषा मिली है, देखिए प्रेरित के काम 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा, और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और वो अन्य अन्य भाषाएं जो थे जब वो बोलने लगे, वहां पर जो है लगभग 16 भाषाओं के लोग खड़े हुए हैं। गिन लीजिएगा आप, लगभग 16 भाषाओं के लोग खड़े हैं और 16 भाषाओं के लोग उन चेलों से, और खास तौर से पत्रस जब खड़े होकर परमेश्वर का संदेश सुनाता है तो उनमें से वो परमेश्वर के उस संदेश को अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा में सुन रहे हैं। वहां पर 2-4 शब्दों की भाषा नहीं है। अब जब पत्रस खड़े होकर परमेश्वर के वचन को सुना रहा है तो 2-4 शब्द का प्रयोग नहीं करता, जैसे आजकल कलीसिया में होती है, रेलाबा शाबा शाबा शाबा, क्या होता है मुझे नहीं मालूम।
ये इस भाषा में अगर वो परमेश्वर का वचन दो चार शब्दों में सुनाता तो किसी को पता ही नहीं चलता, और ये भी नहीं पता चलता कि वो कौन सी भाषा में बात कर रहा है। अन्य भाषा का मतलब है कि परमेश्वर ने उनको जो खड़े थे लोग, लगभग 16 भाषाओं के लोग वहां पर खड़े हैं जो प्रेरितों के काम में दिया गया है, वो अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर का वचन सुन रहे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उन भाषाओं का भी ज्ञान उन चेलों को दिया, उनके ऊपर उंडेला कि वो परमेश्वर का वचन जो है उनको उनकी भाषा में सुनाने लगे, और लोग अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन समझने लगे। सबसे पहली चीज जो है ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो चार शब्दों वाली भाषा बोल रहे हैं, पहली बात तो ये अनभाषा है, और यदि बहुत से लोग जब अगर इसको अनभाषा मान भी रहे हैं तो ये अनभाषा बोलने वाले परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई कैसे, जैसे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया कि वो परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का पेड़ है उसका फल मत खाना, और आदम ने खा लिया, तो आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा आदम हवा ने, और इसलिए उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और भूमि को भी श्रापित किया। यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां लोग कर क्या रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला कुरंतियों 14 अध्याय उसका 13वां पद बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वे प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अगर कोई अन्य भाषा में बात करता है तो वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसका अनुवाद करने का वरदान भी दे ताकि वो उस भाषा का अनुवाद कर सके। इसका मतलब क्या है कि कोई भाषा, अब मान लीजिए मैं हूं, मुझे तमिल भाषा नहीं आती है, अब तमिल भाषा मुझे नहीं आती है तो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया और मैं तमिल में बात करने लगा, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर चाहता है कि मैं तमिल के लोगों को भी क्या करूं, तमिल में परमेश्वर का वचन सुनाऊं। साउथ की भाषा मुझे नहीं आती मगर साउथ की भाषा का वरदान परमेश्वर ने दिया और मैं साउथ की भाषा बोलने लगा, समझने लगा, और मैं जो हूं उसमें बात करने लगा। और यदि मेरे चर्च में कोई, अगर मैं साउथ की भाषा जानता हूं, यदि मेरे चर्च में कोई आए और वो साउथ की भाषा कोई नहीं जानता, और साउथ इंडियन कोई आ जाए वो तमिल में या किसी भी साउथ की भाषा में बात करने लगे तो लोग समझेंगे नहीं कि बोल क्या रहा है। हाँ यदि तमिल भाषा को कोई समझता है तो वो तमिल भाषा को समझकर हिंदी में बताएगा उनको, इसको कहते हैं अनुवाद करना। और परमेश्वर कह रहा है अनुवाद करने वाला होना चाहिए, और नहीं है तो नहीं बोले जाए। पहला कुरंतियों 14 अध्याय उसका 27 और 28 पद जरा ध्यान से सुनेगा। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। फिर है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। देखिए क्या लिखा है परमेश्वर, परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रार्थना करो कि यदि आप अन्य भाषा में बोलते हो तो उसका अनुवाद भी हो सके। और यदि अब देखिए कलीसिया में क्या लिखा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कलीसिया में यदि अन्य भाषा बोलने वाले हो तो 2 जन या ज्यादा से ज्यादा 3 जन एक एक करके बोले बारी बारी से, सब ना बोले इकट्ठा। वहां तो कलीसिया में सब बोलते हैं, छोटे से लेके बड़े तक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता, सारे इकट्ठा बोले, जबकि परमेश्वर का वचन मना कर रहा है। बोले बारी बारी से एक एक करके बोले, और दूसरा उस भाषा जो बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन करने वाला भी हो, और वहां ट्रांसलेशन करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे आदम अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने पर, ऐसे ही ये अन्य भाषा बोलने वाले भी परमेश्वर के राज से बाहर निकाले जाएंगे और वहां डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। और शापित है, आदम के कारण भूमि शापित हुई, ये अन्य भाषा बोलने वालों के कारण जो है बहुत से जीवन शापित हो रहे हैं क्योंकि ये अन्य भाषा है ही नहीं। और यदि आप बोलना भी चाहते हैं तो उसकी परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है
कि उसका ट्रांसलेशन करने वाला भी हो, और यदि ट्रांसलेशन करने वाला ना हो तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि कलीसिया में अनभाषा ना बोली जाए। अब आप किसकी बात मानोगे, परमेश्वर की या मनुष्यों की? जो परमेश्वर ने कहा वो बात मानेंगे ना। जब आप परमेश्वर के हो तो परमेश्वर की बात मानो, और जब परमेश्वर कह रहे हैं कि अनभाषा है ही नहीं, अनभाषा वो है जिस भाषा को आप जानते नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, मेदी हो, लोदी हो, या अमेरिकन हो, या जर्मन हो, जापान हो, स्पेनिश हो, जो भाषा आपको नहीं आती है, या साउथ इंडियन हो, कोई सी भी भाषा जो आपको नहीं आती वो आपके लिए अनभाषा है। और यदि परमेश्वर आपको वो बोलने की सामर्थ्य और शक्ति देता है तो इसका मतलब आपको अनभाषा का वरदान मिला है, और परमेश्वर चाहता है कि जो भाषा मैंने तुम्हें दी है उस भाषा में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, जैसे चेले और पतरस खड़े होकर कर रहे हैं। ये है अनभाषा। अब देखिए पौलुस क्या कहता है, जरा पौलुस की एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला कुरंतियों 14 अध्याय उसका 18वां पद बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अनभाषाओं में बोलता हूं। तुम सबसे अधिक अनभाषाओं में, अब वहां पर भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, भाषाओं में यानी अनेक भाषाओं में बात करता है पौलुस का, वहां कहने का मतलब है अनेक भाषाओं में वो बात करता है, एक भाषा में बात नहीं करता है, कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में। अन्य भाषाओं का मतलब पौलुस उन भाषाओं की बात कर रहा है जो इस दुनिया के अंदर हैं, जिन भाषाओं को वो नहीं जानता है, और वो ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान दिया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सी जो जिन भाषाओं को मैं नहीं जानता वो उन अन्य भाषाओं का ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं उन भाषाओं में बात करता हूं, और परमेश्वर का वचन जो है उन सबको सुनाता हूं, और परमेश्वर के वचन की सच्चाई बताता हूं, जिसको सुनकर बहुत से लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आपके दो चार शब्द बोलने से कितनों के जीवन बच रहे हैं है? बस ये शो हो जाता, हाँ पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा बोलना है, पवित्र आत्मा मिला। ऐसा नहीं है, मजाक बना रहे हैं आप पवित्र आत्मा, सारे लोग मजाक बना रहे हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं पवित्र आत्मा का, और ऐसे लोग जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं, परमेश्वर की भाषा का मजाक बना रहे हैं, उस आत्मिक भाषा का मजाक बना रहे हैं, सोचिए परमेश्वर छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पर। आपको लग रहा है बुरा लग रहा होगा, मगर लगे बुरा, क्योंकि मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का और परमेश्वर के ज्ञान का जो है वो मजाक बनाया जा रहा है। चलिए हम एक बात और करते हैं, थामा की बात करते हैं। सब जानते हैं ना थॉमा को, थॉमा सन 52 में भारत आया, और खासतौर से केरल में आया। अब थॉमा को अगर वो दो चार शब्दों वाली भाषा मिली होती तो मुझे बताइए वो दो चार शब्द जो बोलते हैं आज उस समय सन 52 में भारत के अंदर कौन उसको समझता था, या थॉमा जो है भारत की भाषा को समझता था ना, उसे हिंदी आती थी ना उसे संस्कृत आती थी ना उसे मलयालम आती थी। हो सकता है उस समय केरल में मलयालम बोली जाती या कौन सी भाषा बोली जाती है गॉड नोज, मगर मलयालम भाषा है केरल की, ना उसे मलयालम आती थी ना हिंदी आती थी ना संस्कृत आती थी, ये उसके लिए अन्य भाषाएं थी। जब परमेश्वर ने सन 52 में थॉमा को जब हिंदुस्तान में भेजा, भारत में भेजा, तो भारत की भाषा का ज्ञान देकर उसे भेजा, जो उसके लिए अन्य भाषा थी। भारत की हिंदी उसके लिए अन्य भाषा थी, भारत की संस्कृत उसके लिए अन्य भाषा थी, भारत की जो मलयालम भाषा है साउथ की वो उसके लिए अन्य भाषा थी, मगर परमेश्वर ने उसे भेजने से पहले उन भाषाओं के ज्ञान से भरा, यानी वो अन्य भाषाओं से हिंदुस्तान की अन्य भाषा से परिपूर्ण किया गया, और इसलिए वो हिंदुस्तान में आया, भारत में आया, भारत वर्ष में आया, और उसने भारत में परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को लोगों को सुनाया और बहुत से जीवन को बचाया। उस समय अगर वो यही दो चार भाषा बोल दे, दो चार शब्द बोल देता तो मेरे ख्याल से कोई ना बचता। आज भारत के अंदर जो है मसीही समाज की बुनियाद ही खड़ी नहीं होती, मसीह समाज स्थापित ही नहीं हो पाता। ये थॉमा जो था वो आया था, जिसको भारत की कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं था, ना तो हिंदी का, ना संस्कृत का, और ना मलयालम का। ये थी उसके लिए अन्य भाषा, जिस भाषा से भरकर परमेश्वर ने दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता, आपको स्पष्ट बात बताना चाहता हूं। और यदि आप अनभाषा बोल रहे हैं, ये दो चार शब्द वाली भाषा नहीं होती है, अगर ये दो चार शब्द वाली भाषा बोल रहे हैं तो फिर तमिल में अलग होनी चाहिए वो भाषा, और हिंदी वालों के लिए अलग होनी चाहिए, दूसरे लोगों के लिए अलग होना चाहिए। आप वही दो चार शब्द तमिल में भी जाके बोलते हैं, वही दो चार शब्द जो है इंग्लिश में बोलते हैं, वही दो चार शब्द जो है हिंदी में बोलते हैं, वही दो चार शब्द जो है वो आप हर एक भाषा में बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया? अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर मैं अपनी बात को हिंदी में जो अभी आपको बोल रहा हूं मैं अगर इंग्लिश में करूं तो वो अलग होगा बोलने का तरीका, तमिल में बोलूंगा तो वो अलग होगा, या पंजाबी में बोलूंगा तो वो अलग होगा, बंगाली में बोलूंगा तो वो अलग होगा। यहां तो सब मिक्सर है कि साहब यही आप फिर आप कहोगे यही तो अनभाषा है, ये काय की अनभाषा है, ये दो चार शब्दों की कोई अनभाषा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:32 में लिखा है। यदि आप सच्चाई को नहीं जानेंगे, सच्चाई को जानकर आप गलत बातों से, गलत चीजों से, गलत जो आप कर रहे हैं, लग रहा आपको कि आप जो है परमेश्वर का काम कर रहे हैं, आप आत्मिकता का काम कर रहे हैं, परंतु ये गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है मगर परमेश्वर को नहीं लग रहा है, इसलिए उसमें से निकलें और उन भाषा का जो सही में इस संसार के अंदर जो भाषाएं हैं, 6,500 भाषाएं हैं लगभग, इन 6,500 भाषाओं में से, या हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत में 2023 भाषाएं हैं, इन 2023 भाषाओं में से सभी भाषाएं हम नहीं जानते, हम हो सकता है हम दो चार भाषा जानते हो, दो चार भाषाओं के अलावा और भी भाषाएं हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, परंतु जब परमेश्वर उन भाषाओं का ज्ञान हमें देता है, बोलने की, सुनने की, लिखने की समझ हमें देता है, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उन जो भाषा हमें दी गई, जिस भाषा को हम नहीं जानते, उसमें भी परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के काम के बारे में लोगों को बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं। तो ये भाषा है, ये इसको कहते हैं अनभाषा। तो आइए उस अनभाषा के लिए प्रार्थना करें जिसका ट्रांसलेशन हो सके, जिसका ट्रांसलेशन कर सके, जो सुनने में भी अच्छा लगे। और अगर हम अनभाषा की बात करें तो परमेश्वर ने जो सबसे पहले भाषा का प्रयोग करा वही अनभाषा है जिसको इब्रू भाषा कहते हैं। आप ये जो अनभाषा आप लोग बोलते हैं, बहुत से चर्चों में बोली जाती है, बहुत से पादरी लोग बोलते हैं, और पादरी लोग ये भी कहते हैं कि आप आए हो तो लो अनभाषा लेकर जाओ। पहली बात तो आप देने वाले कोई होते नहीं है, पादरी जो होते ना ये ढोंगी पादरी हैं जो पवित्र आत्मा दे रहे हैं और अनभाषा दे रहे हैं। ये तो पवित्र आत्मा का वरदान जब आपको मिलेगा तो पवित्र आत्मा खुद आपको अनभाषा देगा। फिर अनभाषा जो ये दो चार शब्दों की जो अनभाषा बोल रहे हैं आप अपने चर्च के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, ये और चर्चों में या और भाषाओं में क्यों नहीं बोलते? तमिल में भी बोलना चाहिए और पंजाबी में भी बोलना चाहिए, हिंदी में भी बोलना चाहिए, इंग्लिश में भी बोलना चाहिए। दो चार शब्द एक ही तरीके का जो है सब में एक ही तरीके का बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोई भाषा नहीं है और इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इसलिए कलीसिया के अंदर जब आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां फर्क होना चाहिए ना, तभी तो उन लोग समझेंगे हाँ ये अनभाषा है। परंतु हमारे यहां क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पवित्र आत्मा के लिए अनभाषा है, बस दो चार शब्द का प्रयोग कर लिया वो अनभाषा हो गई, और सारी कलीसिया में बस वही एक ही शब्द का प्रयोग होता है, सारी भाषाओं में एक ही शब्द का प्रयोग होता है, सारी दुनिया में एक शब्द का, दो चार शब्दों का वही प्रयोग होता है और कुछ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गलत फहमी से निकलें, गलत शिक्षाओं से निकलें, झूठी शिक्षाओं से निकलें, और झूठे, परमेश्वर का वचन भी कहता है मत्ती 24:24 में लिखा है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित जो है वो उठ खड़े होंगे, इनसे बचिए। ये इनका तो कोई आत्मिक जीवन नहीं है मगर ये आपके आत्मिक जीवन को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो परमेश्वर की सच्चाई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको वैसे ही जानिए, वैसे ही सीखिए और वैसे ही ग्रहण करिए जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।